बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ मैं इंजन ऑयल के हवाले से बात करूंगा। आज मैं यहाँ पे आया हूँ टोटल सर्विस स्टेशन, जहाँ पे मैं जो है अपना इंजन ऑयल चेंज करता हूँ। तो आज हम इंजन ऑयल के हवाले से बात करेंगे, जो हमारी जेपनीज गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें हम कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, कौन सा बेहतर है और उसमें कौन कौन सा डाल सकते हैं, और इसका जो है इंजन नॉकिंग से क्या ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आमिर ज़ेब भाई हैं, और ये यहाँ पे टेक्निकल बंदे हैं जो कि समझते हैं इस काम को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आमिर भाई, हमें इंजन ऑयल हवाले से बात करनी थी कि जो गाड़ियाँ मैं लेके आता हूँ यहाँ पे जेपनीज़ गाड़ियाँ, तो लास्ट जो मैं विट्स गाड़ी लेके आया था 1000 cc न्यू शेप 2018 मॉडल, तो उसमें आपने कौन सा इंजन ऑयल डाला था और किस वजह से आपने डाला था, यहाँ पे आप हमारे साथ डिस्कस भी करें और हमें दिखाए भी कि कौन सा आपने इंजन ऑयल यूज़ किया था। हमने 5040 है ना वही डलवाया था, 5040। अच्छा जी इमरान आमिर भाई, ये भी बताएं आप कि 5000 ही आपने क्यों डाला था? वो इसलिए ना, जब गाड़ी 40-50 हज़ार चली हो ना तो हम 10-40 डलवाते हैं ना। अच्छा, और हाइब्रिड में डलवाते हैं हम 0-20। आप हमें दिखा सकते हैं कौन सा इंजन ऑयल आपने यूज़ किया? ये 1040 है टोटल वाला। अच्छा जी, ये 5000 किलोमीटर चलता है जी। सही है, ठीक है, और ये हम विट्स के लिए अच्छा है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी है कि आप इसमें 10000 किलोमीटर जो रेंज है वो वाला क्यों यूज़ करते हैं? वो बिल्कुल पतला है, वो इसमें इस ग्रेड के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा एक बात, जी 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 आप बोले, इस ग्रेड के लिए अच्छा नहीं है ना जी, जी। जो गाड़ी ज़्यादा चली हुई थी ना जी, हम इसमें 20-50 डालती है। अच्छा, फिर हमें 10-40 भी डलवाते अगर थोड़ा सा कम चली हो। अच्छा, और बिल्कुल फ्रेश गाड़ी में है ना जी, हम 9000 वाला डालते हैं, वो 5-30 है और 0-20 है। 0-20 ज़्यादातर हम उसमें डालते हैं, हाईब्रिड गाड़ी में ज़्यादातर 0-20 डलवाते हैं। 0-20 से मतलब उसमें रेंज कितनी होती है? 0-20 उसमें 9000 रेंज होती है, वो ज़्यादा बैटरी पे भी चलता है ना जी जी, इसलिए अच्छा अच्छा होता ही है। अच्छा मतलब आपका मकसद ये है कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ उसमें अगर हम 9000-10000 वाली आप डाल भी लें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक भी होती है और इंजन यूज़ होता है, तो इसलिए इंजन यूज़ इतना नहीं होता, इसलिए आप उसमें डाल सकते हो। और जो नॉन हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उसमें आप 5000 तक रिकमेंड करते हैं? 5000 से ये जो है, ये 0-20 है, अभी 0-20 है, ये हम जो है उसमें डालते हैं, हाइब्रिड में डालते हैं, हाइब्रिड में डालते हैं ये ज़्यादातर, हम हाइब्रिड में डालते हैं। अच्छा, और फिर यही ना 20-50 ये हम पुरानी गाड़ी में ज़्यादा डालते हैं ना। अच्छा, 1 लाख से ऊपर हो। अच्छा, ये थोड़ा सा दिख के ये बिल्कुल, तो इसमें ये एक चीज़ मैंने नोट की कि हाइब्रिड के लिए ज़्यादा किलोमीटर वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। हाइब्रिड के लिए तो हम ज़्यादातर 9000 जी, और अगर गाड़ी ज़्यादा चल चुकी हो क्योंकि उसका इंजन कमज़ोर होता है तो उसमें हम 3000 ही आप रिकमेंड करते हैं। 20-50 ग्रेड होता है, 20-50 ये डलवाते हैं। अच्छा ठीक है, और ये वाला जो ये दोनों सेम ही है ना जी? ये दोनों एक सेम। अच्छा जी, और विट्स में 1000 cc में न्यू शेप में? अच्छा, ये आप रिकमेंड करते हैं। और 4 लीटर इसमें? 4 लीटर उसमें आता है, वो 3 लीटर। अच्छा, 4 लीटर कैन ना। अच्छा, फिर हमारे पास टोटल वाला आई भी है ना। अच्छा, ये आपने लास्ट टाइम मुझे इसकी निस्बत आपने मुझे कहा कि इस केन में जो पड़ा हुआ है ये आपने मुझे रिकमेंड किया कि यूज़ करें, इसकी क्या वजह थी? इसकी ये वजह है ना, कंपनी वाला ने ये लिया, इसको 4 लीटर लेना है, वो 3.25 भी डालता है, 3.50 भी डालता है। अच्छा, जितना आपका मर्जी जितना गाड़ी में आते हैं ना वही पेमेंट। अच्छा आमिर भाई, आपका मकसद ये है कि दोनों की क्वालिटी में कोई एक ही चीज़ है लेकिन इसमें पैकिंग का खर्चा बच जाता है और जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी आप उसमें से ऑयल डाल लेते हो, खर्चा पैकिंग से खत्म होती है ना। अच्छा जी जी, अच्छा ये अच्छी बात। अच्छा जी, एक व्यूअर ने हमसे ये सवाल भी किया था कि विट्स में इंजन ऑयल उन्होंने चेंज किया और उसके बाद उनकी इंजन की नॉकिंग स्टार्ट हो गई, तो ये आप बताएं कि इंजन नॉकिंग का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? इंजन में इसमें ऑयल का कोई ताल्लुक नहीं है ना जी। इसमें हम जब नॉकिंग करते हैं ना विट गाड़ी में सारे मसला होता है, ये तो आयोटेन पेट्रोल है ना, HOBC। अच्छा, ये डलवाते हैं लोग इसके साथ, वो नॉकिंग थोड़ा सा खत्म। अच्छा मतलब विट्स में हाई ऑक्टेन डालना चाहिए? डालना चाहिए। अच्छा, उसके साथ खत्म हो जाता है? उसके साथ खत्म हो, ये सारी विट्स का मसला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पुरानी की बात करें कि नई विट्स? नई विट्स को भी, पुरानी इतना नहीं, नई विट्स में जो ज्यादातर होते हैं। अच्छा, न्यू विट्स में हाई ऑक्टेन अगर आप डालते हैं तो उससे कुछ हद तक आपकी जो नॉकिंग है वो खत्म होती है, वो नॉकिंग खत्म हो जाती है। चलिए चलिए, अच्छा ये बात है। अच्छा जी, एक दूसरा सवाल जो बहुत ही ज़रूरी है, आप मुझे ये भी बताएं साथ में कि आपने मुझसे उस वक्त लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था कि जो जो गाड़ी जापान से इम्पोर्ट होकर आ जाती है
तो उसमें जो फर्स्ट टाइम आप मोबिल ऐड डालते हो तो वही आपने वही ब्रांड आपने यूज़ करना है, उसको फिर चेंज नहीं करना। चाहे आपने टोटल यूज़ कर लिया तो आपने टोटल यूज़ करना है, अगर आप गाड़ी बेच रहे हो तो आपने सेकंड ओनर को भी यही बताना है कि आपने इसमें टोटल का ब्रांड डाला है तो उसको टोटल ब्रांड ही आगे फर्दर डालना चाहिए। तो ये बात किस हद तक ठीक है और क्या वजह है इसके पीछे? ये बात तो सही है, अगर कौन सी गाड़ी में एक दफ़ा ऑयल डालो ना तो वही ऑयल पे दुआ पे डालना है। जी जी, ये जब उधर कभी शेल कभी टोटल कभी जिप, इसमें थोड़ा सा गाड़ी का मसलन होता है, कम भी करता है और गाड़ी से दुआ भी देता है। अच्छा, मत आपके आपकी बात का मकसद ये है कि अगर आप रेगुलरली एक यूज़ नहीं कर रहे हो, इतना था आपने टोटल डाल दिया तो दूसरी बार शेल डाल दिया तो इससे इंजन ऑयल गेज भी कम होता है और गाड़ी दुआ देना भी स्टार्ट कर देगी। अभी आपने टोटल डाले ना तो टोटल ही डालो पे। अच्छा। एक ही ब्रांड डालो, टोटल कंपनी का ऑयल है, सही ऑयल है। जी जी जी, चलिए बड़ी बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई इन्फॉर्मेशन देने का। अगर किसी ने और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप आमिर भाई के खिदमात ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल भी आ सकते हैं, KFC के बिल्कुल सामने जो टोटल स्टेशन है उधर आप आ सकते हैं और आमिर भाई से टेक्निकल एक्सपर्टीज पूछ सकते हैं। तो हमें अब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।